वेलकम टू माई चैनल लर्न मास कम्युनिकेशन। गाइज, इस वीडियो में जो है हम न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी वर्ल्ड की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और ये जितनी भी मतलब वर्ल्ड में न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो एक्चुअल में पेपर में पूछी जाती हैं, वो सभी न्यूज़ एजेंसीज़ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडियंस हैं तो इंडिया से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया की जो फेमस न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उसमें एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, हिंदुस्तान समाचार, इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, समाचार भारती और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, जिसे हम UNI के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ जो है 6 फेमस न्यूज़ एजेंसीज़ हैं इंडिया की, जो पेपर में भी पूछी जाती हैं। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उसमें ऑल हेडलाइन न्यूज़, एसोसिएटेड प्रेस जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ब्लूमबर्ग न्यूज़ आपने सुना ही होगा, कैथोलिक न्यूज़ एजेंसी, कैथोलिक न्यूज़ सर्विस, कंजर्वेटिव न्यूज़ एजेंसी ऑफ न्यूयॉर्क और ज्यूइश टेलीग्राफिक एजेंसी, रिलीजन न्यूज़ सर्विस, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। तो ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स की फेमस न्यूज़ एजेंसीज़। नेक्स्ट देखें तो यूक्रेन की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो है यूक्रेनियन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एजेंसी, दूसरी है यूक्रेनियन न्यूज़ एजेंसी और तीसरी है यूक्रेन फॉर्म। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE की बात करें तो वहाँ पर एक फेमस न्यूज़ एजेंसी है, दैट इज़ एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो PA मीडिया और रॉयटर्स का नाम आपने सबने सुना होगा, बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है और पेपर में भी पूछी जाती है। ये कहाँ पर है? ये UK की न्यूज़ एजेंसी है। उरुग्वे की बात करें तो वहाँ पे मैर्को प्रेस न्यूज़ एजेंसी है। उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान नेशनल न्यूज़ एजेंसी है। वेनेजुएला में एजेंसिया वेनेजुएलाना दी नोटिसियस, ये उन्हीं की लैंग्वेज में है, वेनेजुएला में जो न्यूज़ एजेंसी का नाम है। वियतनाम में वियतनाम न्यूज़ एजेंसी के नाम से है। कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ जो है उनके कंट्री के नाम के ऊपर ही रखे लिए जाते हैं तो उनको याद करना भी आसान होता है, लेकिन कुछ कुछ के नाम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। येमन की बात करें तो वहाँ पे जो न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ साबा न्यूज़ एजेंसी। गाइस, जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें सभी, ये पूरी न्यूज़ एजेंसी की लिस्ट है वर्ल्ड की। इसमें आपको वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन सब के नाम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। टर्की की बात करें तो टर्की में जो फेमस न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ एनाडोलो न्यूज़ एजेंसी, अनका न्यूज़ एजेंसी एंड डेमिरोन न्यूज़ एजेंसी। हो सकता है मैं इनका प्रोनंसिएशन बाई मिस्टेक गलत कर रही हूँ, लेकिन ये उनकी लैंग्वेज में जो होते हैं। तो ये 3 न्यूज़ एजेंसी हैं टर्की की। तुर्कमेनिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ तुर्कमेनिस्तान स्टेट न्यूज़ एजेंसी। वेटिकन सिटी की बात करें तो उसमें एजेंजिया फाइडस, ये उनकी जो है न्यूज़ एजेंसी है वहाँ पे। ताइवान में जो है सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, ताइवान में है फेमस न्यूज़ एजेंसी है वहाँ की। सीरिया की बात करें तो हवार न्यूज़ एजेंसी है वहाँ पे, सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी है। तजाकिस्तान की बात करें तो खोवर नाम की वहाँ पे न्यूज़ एजेंसी है। थाईलैंड की बात करें तो थाई न्यूज़ एजेंसी है वहाँ पे। तुनीशिया की बात करें तो तुनिश अफ्रीकी प्रेसी, तो वहाँ पर ये न्यूज़ एजेंसी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसी है जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ। सूडान की बात करें तो सूडान न्यूज़ एजेंसी कंट्री के नाम पर ही है वहाँ पे ये न्यूज़ एजेंसी। स्वीडन की बात करें तो टिडनिस नैंगरनस टेलीग्राम प्रया, ये थोड़ा नाम उनका थोड़ा अटपटा सा है, ये न्यूज़ एजेंसी है जो स्वीडन में है। स्विट्ज़रलैंड में स्विस टेलीग्राफिक एजेंसी, वहाँ पे अधिकतर जितनी भी न्यूज़ होती है, कोई भी चीज़, बैंक आपने स्विस बैंक के बारे में, वो अपने स्विस के नाम से ही जो है स्विट्ज़रलैंड में चीज़ों के नाम रखते हैं, तो इससे हमें याद रहेगा कि स्विट्ज़रलैंड की जो है स्विस टेलीग्राफिक एजेंसी है। स्पेन की जो है एजेंसिया EFE, कैटलन न्यूज़ एजेंसी और यूरोपा प्रेस, ये जो है ये स्पेन की न्यूज़ एजेंसी है। श्रीलंका की बात करें तो देखिए इसमें लंका पुवत, ये लंका पुवत से आप याद रख सकते हैं श्रीलंका की कौन सी न्यूज़ एजेंसी है, लंका। सिंगापुर की जो न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ चैनल न्यूज़ एशिया। स्लोवाकिया की जो है न्यूज़ एजेंसी ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक। स्लोवेनिया की है स्लोवेनियन प्रेस एजेंसी। साउथ अफ्रीका की है अफ्रीकन न्यूज़ एजेंसी। साउथ कोरिया की है न्यूसिस या योनहैप न्यूज़ एजेंसी। साउथ सूडान की बात करें तो साउथ सूडान न्यूज़ एजेंसी, उसी के कंट्री पे ये नेम रखा गया है।
सऊदी अरेबिया की बात करें तो इंटरनेशनल इस्लामिक न्यूज एजेंसी जो है सऊदी अरेबिया की न्यूज़ एजेंसी है, सऊदी प्रेस एजेंसी भी सऊदी अरेबिया की न्यूज़ एजेंसी है। सेनेगल की बात करें तो दैट इज़ पाना प्रेस जो है सेनेगल की न्यूज़ एजेंसी है। सर्बिया की बात करें तो बीटा न्यूज़ एजेंसी और तंजुग, ये दो न्यूज़ एजेंसी हैं, बीटा न्यूज़ एजेंसी और तंजुग। सेसल्स की बात करें तो सेसल्स न्यूज़ एजेंसी सेसल्स के ही नाम पर है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपीन न्यूज़ एजेंसी, देखिए इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ एजेंसी आप उनको उनके कंट्री के नाम पर ही मिल रही होंगी। पोलैंड की बात करें तो पोलिश न्यूज़ एजेंसी, पोर्चुगल में एजेंसिया लूसा और विया न्यूज़ एजेंसी, कतर में कतर न्यूज़ एजेंसी उसी की कंट्री पे नाम है। रोमानिया की बात करें तो एजर प्रेस, मीडिया फैक्स और रडोर, ये तीन न्यूज़ एजेंसी हैं रोमानिया की। रशिया में कौन कौन सी है, रशिया में इंटरफैक्स है, रोशिया सीगोडनिया है और रशियन न्यूज़ एजेंसी TASS का आपने नाम भी सुना होगा। ओमान की है ओमान न्यूज़ एजेंसी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, एसोसिएटेड प्रेस सर्विस है, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल है। पैलेस्टीनियन टेरिस्ट्रीज़ की बात करें तो मान न्यूज़ एजेंसी है और वाफा, ये दो न्यूज़ एजेंसी है वहाँ की। पेरू की बात करें तो वहाँ पे जो फेमस एक न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ एंडीना। नामीबिया की बात करें तो नामीबिया प्रेस एजेंसी उसी की कंट्री के नाम से फेमस न्यूज़ एजेंसी है वहाँ पे। नेपाल में है राष्ट्रीय समाचार समिति। नीदरलैंड्स में है अलगीमीन नीदरलैंड प्रेस ब्यूरो, ANP के नाम से भी इसे हम बोलते हैं। नाइजीरिया में है न्यूज़ एजेंसी ऑफ नाइजीरिया। नॉर्थ कोरिया में है कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी। और नॉर्थ मैसिडोनिया की जो न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ मैसिडोनियन इंफॉर्मेशन एजेंसी। और नेक्स्ट है आपकी मैक फैक्स, ये दो न्यूज़ एजेंसी हैं नॉर्थ मैसिडोनिया की। मंगोलिया की न्यूज़ एजेंसी है मॉन्टसेम। मोंटीगारो की है मोंटीगैरन न्यूज़ एजेंसी। मोरक्को की है मैग्रेब अरबी प्रेस। म्यांमार की है म्यांमार न्यूज़ एजेंसी। और नॉर्वे की है एविसनेस नाई बैरा और नॉक्स टेलीग्राम बायरा। इटली में काफ़ी सारी न्यूज़ एजेंसीज़ के नाम आप देख सकते हैं। इटली की जो है कुछ के नाम एडन क्रोनोस, एजिनिया, गर्नेलिस्टिका इटालिया, या फिर ये थोड़े प्रोनंसिएशन में हो सकता है गड़बड़ हो रही हो, या फिर एजेनिया स्टीफेनी है, एनस मेडिटेरियन है, एपकॉम है, एस्का है, एशिया न्यूज़ है, सोल 24, ओरी रेडियो कोर है और इंटरप्रेस सर्विस है। नाम आप यहाँ पे से पढ़ सकते हैं सारे और इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। जापान की जो न्यूज़ एजेंसी है दैट इज़ जीजी प्रेस और क्योडो न्यूज़, ये जो दो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं काफ़ी फेमस है जापान में, जीजी प्रेस और क्योडो न्यूज़। जॉर्डन की न्यूज़ एजेंसी की बात करें तो जॉर्डन न्यूज़ एजेंसी, कजाकिस्तान में जो है काजिन इनफॉर्म है, केनिया की जो है केनिया न्यूज़ एजेंसी है, इंडोनेशिया की अंतारा है और ईरान में जो है तीन न्यूज़ एजेंसी फेमस है दैट इज़ फार्स न्यूज़ एजेंसी, ईरानियन लेबर न्यूज़ एजेंसी, ईरानियन स्टूडेंट्स न्यूज़ एजेंसी। घाना की बात करें तो घाना न्यूज़ एजेंसी वहाँ पे एक उनके कंट्री के नाम पर फेमस न्यूज़ एजेंसी है। ग्रीस में एथेंस मैसिडोनियन न्यूज़ एजेंसी है। हंगरी में मैग्यार तैविराती इरोदा है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी है, महर न्यूज़ एजेंसी है और तैसनिम न्यूज़ एजेंसी वहाँ पर हंगरी में है। इराक में है नेशनल इराकी न्यूज़ एजेंसी। इसराइल में है ITIM। कुवैत में है कुवैत न्यूज़ एजेंसी। किर्गिस्तान में है AKI प्रेस न्यूज़ एजेंसी और कबार है वहाँ पे, दो न्यूज़ एजेंसी का नाम आप देख सकते हैं। लाओस में है लाओ न्यूज़ एजेंसी। लतविया में है LETA लेटा और लिथोनिया में है LELTA। मलावी में है मलावी न्यूज़ एजेंसी। वर्ल्ड की सारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जितनी भी फेमस न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। मलेशिया में है बैरनामा। मैक्सिको में है नोटीमैक्स। मोल्डोवा में है मोल्ड प्रेस। जर्मनी में है ड्यूटेच सी प्रेस एजेंटोर, ये बहुत फेमस न्यूज़ एजेंसी है, आप काफ़ी लोग इसके नाम जानते भी होंगे। जॉर्जिया की है GHN। एस्टोनिया की बात करें तो वहाँ है बाल्टिक न्यूज़ सर्विस। इथोपिया में है इथोपियन न्यूज़ एजेंसी। फिजी में है पैक न्यूज़। फिनलैंड में है स्योमैन टियोटोटो इमिस्टो और फ्रांस में है एजेंसी प्रेस फ्रांस प्रेस, ये इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम रख रखा है फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी का। डेनमार्क की न्यूज़ एजेंसी है रिडजाऊ। ईस्ट टिमोर की न्यूज़ एजेंसी है
टिमोर लेस्टे न्यूज़ एजेंसी, एक्वाडोर की न्यूज़ एजेंसी है पब्लिक न्यूज़ एजेंसी ऑफ एक्वाडोर एंड साउथ अमेरिका, इजिप्ट की है मिडिल ईस्ट न्यूज़ एजेंसी और क्यूबा की न्यूज़ एजेंसी है प्रेंसा लैटिना। बुल्गारिया की बात करें तो बुल्गारियन न्यूज़ एजेंसी है, कंबोडिया में एजेंसी कंपोचिया प्रेस है, कनाडा में द कनेडियन प्रेस है, द ला प्रेस ए कैनेडियनी जिसे भी बोला जाता है, चाइना में है चाइना न्यूज सर्विस या जिन्जुआ, ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस। अफगानिस्तान की बात करें तो उसमें अफगान इस्लामिक प्रेस, बख्तार न्यूज़ एजेंसी, खामा प्रेस और फाजवर्क अफगान न्यूज़ जो है वहाँ की फेमस न्यूज़ एजेंसीज है। अर्जेंटीना में है तिलाम, अर्मेनिया में है अर्मन प्रेस पान अर्मेनियन डॉट नेट और अजरबैजान में है अजरबैजान प्रेस एजेंसी, अजरताज और ट्रेंड न्यूज़ एजेंसी। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में बांग्लादेश संघवाद संस्था और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश ये दो न्यूज़ एजेंसीज हैं। बेलारस में है बेला पैन और बेल्टा। बेल्जियम में बेलगा नाम से न्यूज़ एजेंसी है। बोलीविया में एजेंसिया बोलीवियन दीव इंफॉर्मेशन ये है बोली प्रेस नाम से है और ब्राज़ील में है एजेंसिया ब्रासील, एजेंसिया स्टैडो और एजेंसिया ओ ग्लोबो। सो ये जितनी भी न्यूज़ एजेंसी थी ये वर्ल्ड की सब फेमस न्यूज़ एजेंसीज हैं और इनसे बाहर न्यूज़ मतलब जितनी न्यूज़ एजेंसीज हैं इनसे बाहर एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं में से न्यूज़ एजेंसीज पूछी जाएंगी आपकी आपके मास कम्युनिकेशन के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर न्यूज़ एजेंसी से क्वेश्चंस आते हैं तो इसी में से ही पूछा जाएगा क्योंकि ये वर्ल्ड की सारी फेमस और जानी मानी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं सभी कंट्रीज़ की। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।